हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है JNVST यानी जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में और सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में, उसी तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने का प्रैक्टिस करेंगे LCM और HCF फाइंड करने के लिए। होता यह है कि जब क्वेश्चन बच्चे के पास आता है, बच्चा नहीं समझ पाता है कि इस क्वेश्चन के अंदर LCM पूछा जा रहा है कि HCF पूछा जा रहा है, तो वह हम समझने का प्रयास करते हैं। लास्ट दोनों वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि LCM और HCF कैसे फाइंड करते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चंस को देख करके समझ बनाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन में LCM फाइंड करना है और किस तरह के क्वेश्चंस के लिए HCF फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं, मैं दो क्वेश्चन लेकर के समझाने का प्रयास करता हूँ। कि देखिए, एक क्वेश्चन है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 36 एंड 45। ऐसे छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कर रहा है, लिस्ट नंबर कर रहा है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, लिस्ट नंबर फाइंड करने के लिए कर रहा है जिस जो कि इन दोनों से पूरी तरह से एग्जैक्टली 36 एंड 45 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। यह कर रहा है हमारा लिस्ट नंबर फाइंड करने के लिए। इसका मतलब हुआ कि जब भी लिस्ट नंबर फाइंड करने के लिए कहे तो हमें LCM निकालना है। दूसरे क्वेश्चन को देखिए आप, फाइंड द मेजर ऑफ द ग्रेटेस्ट लेंथ विच कैन मेजर 24 मीटर 32 मीटर एंड 44 मीटर कंप्लीटली। कहने का मतलब यह कह रहा है क्वेश्चन कि ऐसे ग्रेटेस्ट यानी बड़ी सी बड़ी लंबाई का हमें एक मेजर निकालना है, मेजरमेंट जो कि 24 मीटर 32 मीटर और 44 मीटर को ठीक ठीक माप सके, माने मेजर कर सके। तो उसके लिए ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या कर रहा है, ग्रेटेस्ट कर रहा है, माने कौन सी बड़ी लंबाई की हम एक मेजरमेंट करने के लिए एक पार्ट ले लें जो इन सभी को क्या कर दे, ठीक ठीक मेजर कर ले। इसका मतलब जब ग्रेटेस्ट निकालने के लिए कर रहा है, ग्रेटर निकालने के लिए कहे, तो आपको समझ जाना है कि उसमें HCF फाइंड करनी है। तो चलिए हम निकालते हैं फिर से 36 और 45 के लिए। तो वह जो नंबर निकालने के लिए कह रहा है एग्जैक्ट डिविजिबल, इसका मतलब हमको LCM फाइंड करना है। तो LCM ऑफ 36 एंड 45 इज इक्वल टू क्या होगा और कैसे निकालना है मैं बता चुका हूं आपको। सबसे पहले आप 36 और 45 को क्या कर लें, एक साथ लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसके फैक्टर्स निकाल लें। चलिए हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा 2 18 36 और 45, चूंकि इसके यूनिट डिजिट में 5 है, इसका मतलब 2 का डिविजिबल नहीं है, तो सो इसको वैसे ही लिख देते हैं। फिर यहाँ से देखिए, इसको छोटा लगाइए, 18 है, 18 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 18, लेकिन फिर से 45 डिवाइड नहीं हो रहा है। अब देखिए, ना तो 9 2 से डिवाइड होगा और ना ही 45 2 से डिवाइड होगा, तो हम इसे क्या करें, 3 से डिवाइड करते हैं। 3 3 9 और 3 1 3 1 5 15 3 5 15, माने 15 3 45 होता है। फिर इसको देखिए कहां से जा रहा है, 3 से 3 1 एंड 3 5 जा। तो अब देखिए इसका LCM कितना है, 2 into 2 into 3 into 3 into 5। ये देखिए यहां से 5 को भी ले लेंगे, तो इस प्रकार देखिए 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 90 2 जा 180। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप LCM फाइंड कर लिए। यानी ऐसी संख्या 180 है जो 36 से भी डिवाइड हो जाएगा और 45 से भी डिवाइड हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आइए HCF फाइंड करना सीखते हैं। तो देखिए, अभी मैं आपको लॉन्ग डिवीजन में तक लास्ट वीडियो में बताया था, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, 24 32 और 44 का क्या करेंगे अपन, ग्रेटेस्ट माने HCF फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें से, स्मॉलेस्ट नंबर है 24, और 24 से जो बड़ी संख्या है वो हमारा 32। तो आप क्या करें, 32 को 24 से डिवाइड कर दें, दैट मीन्स 32 क्या हुआ हमारा, डिविडेंड हुआ, और 24 क्या हुआ, डिवाइजर। देखिए कितने बार जाएगा, 2 टाइम्स करेंगे तो 48 हो जाएगा, मतलब नहीं जाएगा, 24 1 जा 24। अब देखिए 12 में से 4 गया तो कितना बचा, 12 में से 4 8 आ जाएगा, 8 4 12। अब यहां से 1 ले लिए, 2 2 कैंसिल। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में समझाया था कि 8 जो बचा है हमारे पास रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर को अगले टर्म के लिए हम क्या बना लें, डिवाइजर बना लें,
और ये देखिए 24 जो डिवाइजर था उसको अब हम बना लेते हैं डिविडेंड। अब देखिए इसको डिवाइड करो 8 से, आप क्या हो जाएगा 8 3 24 माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 4 4 और ये 2 2 भी कैंसिल हो गया, मतलब अब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो देखिए हमारे पास 8 हमें प्राप्त हुआ है 8। इस 8 से 44 को डिवाइड करने का प्रैक्टिस करें, हम बता प्रयास करें। देखिए 44 जो होगा उसको 8 से डिवाइड करते हैं, 8 5 जा 40 हो जाएगा, ये देखिए यानी 4 बचा ये कैंसिल हो जाएगा, 4 आया। 4 से हम क्या करें, अब देखो 4 जो हमारा क्या बनेगा डिवाइजर हो जाएगा, रिमाइंडर था, और जो 8 है वो डिवाइजर है वो बन जाएगा डिविडेंड। अब देखिए 4 से 4 2 जा 8 ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये जो 4 है यही हमारा एचसीएफ होगा, क्योंकि 4 यहाँ 8 जो है 4 से भी डिवाइड हो गया। तो अब देखिए एचसीएफ कितना आया 4। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसी संख्या जो छोट बड़े ग्रेटेस्ट तो कहेगा लेकिन आएगा छोटा, एचसीएफ में छोटा आता है। तो देखिए 4 जो है वो सभी को बराबर बराबर मेजर कर लेगा, तो 4 मीटर जो है इसका आंसर आएगा। अब ऑप्शन में हो सकता है 4 मीटर की जगह पर 4 सेंटीमीटर भी दे सकता है, या 8 सेंटीमीटर या 8 मीटर क्वेश्चन कर देगा। हमको ध्यान रखना है यदि हमारा मेजरमेंट का यूनिट जो है वो देखिए 24 मीटर 32 मीटर 44 मीटर है तो हमारा आंसर भी मीटर में ही आएगा। अब देखिए 4 से हम डायरेक्ट इसको मेजर कर सकते हैं, 24 सेंटीमीटर का एक कोई स्केल है या कोई लेंथ है, लंबाई है 24 मीटर का, हम 4 से यदि मेजर करेंगे तो कितने बार चला जाएगा 4 6 24, तो ऐसे हो जाएगा 4 4 4 4, ऐसे कितने बार होगा 4 6 24। 32 को भी हम यदि 4 से करेंगे तो 4 8 जा 32, और उसी तरह से हम 4 से 4 11 जा 44, यानी 4 ही वह नंबर है जिससे पूरा पूरा ये मेजर हो जा रहा है तीनों। इस प्रकार से एचसीएफ फाइंड करेंगे, तो क्वेश्चन को हमें समझना होगा कि क्वेश्चन में किस तरह से पूछा जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिमाइंडर बचता है उस तरह के क्वेश्चन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है घुमा के दिया रहता है उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें एलसीएम या फिर एचसीएफ फाइंड करना होता है। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम और जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के क्लास 6 के बच्चों के लिए जो एडमिशन होती है उसमें एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से जो टेस्ट होता है उसके लिए मैथ्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ पर बात करने वाले हैं। तो बच्चे देखिए हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड हाउ टू फाइंड एचसीएफ, आज हम एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। बहुत शॉर्ट में हम जानते हैं, आसानी से याद हो जाता है कि भाई एलसीएम है, लेकिन वास्तव में उसका पूरा नाम क्या है यानी पूरा फुल फॉर्म क्या है, और एचसीएफ का क्या है और क्या अंतर है वो भी हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में हम इसको लघुत्तम समाप वर्त्य कहते हैं, और एचसीएफ का मतलब होता है हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब यहाँ पर ध्यान चीज देने वाली बात दो चीज है, एक तो मल्टीपल और दूसरा है फैक्टर्स। कहने का मतलब यह है कि मल्टीपल जब हम निकालते हैं तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मल्टीपल मतलब होता है हमारा टेबल, माने किसी भी नंबर का मल्टीपल फाइंड करते हैं इसका मतलब हम उसका टेबल निकाल रहे होते हैं, और फैक्टर का मतलब होता है उसका गुणनखंड, यानी किस किस नंबर से वह संख्या या नंबर क्या हो जाए डिवाइड हो जाए तो उसको हम फैक्टर कहते हैं। यहाँ पर देखिए लिस्ट कह रहा है माने छोटी से छोटी संख्या हो गई, लिस्ट नंबर निकालना है। हाइएस्ट कहता है मतलब बड़ी हो गई। तो कहने का मतलब जब एलसीएम पूछता है क्वेश्चन में या हमको बनाना रहता है तो देखिए किसी भी दो या तीन संख्याओं का हम क्या करते हैं एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एलसीएम जो होगा वह लिखने के लिए तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है लेकिन आता बड़ा है, कैसे आएगा भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। दूसरा है हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों का कंपेरेटिव अध्ययन करेंगे, या हाइएस्ट कहता है मैंने बड़ी संख्या बता रहा है लेकिन आता क्या है हमेशा एचसीएफ जो फाइंड होगी दो या तीन संख्याओं का वो हमेशा छोटी आती है उन संख्याओं से। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो संख्या हमारे पास दिया है, जैसे मान लो क्वेश्चन लेकर के हम इसको समझते हैं, उसके बाद दूसरे मेथड पे बात करेंगे। फर्स्ट पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड की बात करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में बच्चा जो काम कर रहा होता है वो अक्सर कन्फ्यूज होता है कि कब हम एलसीएम कहेंगे किसको और कब एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, दोनों में
एक जैसा रहता है, क्योंकि निकालने की प्रक्रिया थोड़ा सा अंतर होता है जिसके कारण बच्चे गलत करते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि सबसे पहले फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 24 एंड 60। दैट मींस 12, 24 और 60 का हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले फैक्टर्स निकालें। तो कॉमन फैक्टर्स हम निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे 12 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 6 12 2 3 6 एंड 3 1 3, यानी हमारा 12 का जो फैक्टर हो गया वो कितना आ गया, 12 का आया 2 × 2 × 3। तो इस प्रकार 12 का फैक्टराइजेशन कर दिए। इसी प्रकार हम 24 का फैक्टराइजेशन करके सीखते हैं। देखिए निकालते हैं, 2 12 = 24, 12 आ गया, फिर 2 6 = 12 2 3 6 एंड 3 1 3। दैट मींस 24 का फैक्टर्स कौन कौन से हुए, वो हुआ 2 × 2 × 2 × 3। अब हम निकालेंगे 60 का, तो 60 का फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है, चलिए आइए निकालते हैं 60 का। 2 30 = 60, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे माने 15 जा होगा, 2 15 = 30, फिर 3 से करेंगे 3 5 जा एंड 5 1 जा। तो इसका मतलब 60 का फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, गुणनखंड हमारे हिंदी में कहें तो 2 × 2 × 3 × 5। ये हमारा एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने फैक्टर्स निकाला। अब मैं आपको दोनों का कंपैरेटिव समझाने का प्रयास करूंगा। ये देखिए, इसी में फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12, 24 एंड 60। जब हम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर रहे हों तो एचसीएफ में भी हम क्या करेंगे, 12, 24 और 60 का फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो चलिए इसमें भी हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, यानी यही लिख लेंगे। तो 12 का क्या क्या आया, 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। 24 का कितना आया था, 2 × 2 × 2 × 3, देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। एंड 60 का कितना हो गया, 2 × 2 × 3 × 5, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60। अब मेन बच्चा कहां पर फंसता, देखिए इतना तक तो कर लेता है, आगे जा करके जब हम इसका एलसीएम फाइंड करते हैं और एचसीएफ फाइंड करते हैं तो वहां पर बच्चा फंसता है। तो जब हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करें तो दोनों का कंपैरेटिव बता रहा हूं, करना क्या है कि यहां पर देखिए, जो हमारे पास तीनों जो फैक्टर्स फाइंड किए हैं तीनों नंबर के, उसमें जो तीनों में कॉमन है, ये देखिए जो तीनों में कॉमन है उसको एक बार ले लो आप, ये देखिए 2 2 2 तीनों में कॉमन हुआ, ये 2 हो गया। अगले बार फिर से देख रहे हैं कि ये 2 तीनों में फिर से कॉमन है, तो यहां पर (2) ले लिए। फिर उसके बाद देखिए ये 3, देखिए आप यहां से ये 3 भी तीनों में कॉमन है तो 3 को ले लेंगे, बट यहां बचा हुआ है हमारे पास क्या, 1 बच गया 2 एक्स्ट्रा। तो जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो यही 2 अलग से लेंगे। फिर उसके बाद देखिए 5 बचा हुआ है, तो एलसीएम निकालते समय इस 5 को भी हमें लेना होगा। ये भी बात अच्छे से समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार जब हम फैक्टर्स निकालेंगे यानी एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें भी हम क्या करें, जो तीनों में कॉमन हो उसको ले लें। तो देखिए 2 कॉमन हो गया, फिर एक बार 2 कॉमन है और एक बार से 3 कॉमन है, देखिए तीनों में जो है वो 3 है। अब खास बात क्या दिख रहा है इसमें कि इसमें 1 माने 2 2 और 3 जो कॉमन है, ये यही 3 जो है हमारा क्या बन जाता है, एचसीएफ बन जाता है। लेकिन एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो बचा हुआ संख्या है रो रेस्ट है माने बचे हुए रिमेनिंग है, वो कॉमन दो संख्याएं हैं 2 एंड 5, उसको भी हमें लेना है। बट एचसीएफ में क्या करना है, उन कॉमन नंबर्स को, जो बचे हुए नंबर है उसको नहीं लेना है, केवल कॉमन नंबर को लेना है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, देखिए कितना होता है, इधर से बड़ी संख्याओं की तरफ से करते आ जाइए, 5 2 10 10 3 30 32 60 62 120। तो इस प्रकार इसका एलसीएम आ गया 120। एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए 3 2 6 6 2 12। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम और एचसीएफ में वास्तव में क्या अंतर है, कैसे निकालना है, डिफरेंस क्या है, कि जो कॉमन नंबर है यदि उतने को भर लेकर के मल्टीप्लाई किए तो एचसीएफ फाइंड होगा जो हम एचसीएफ निकाल रहे थे, लेकिन बची हुई संख्याओं को भी कॉमन नंबर के साथ यदि मल्टीप्लाई कर दें तो एचसीएफ LCM आ जाएगा।
तो इस प्रकार 120 जो है 12, 24 और 60 का LCM हुआ। अभी मैं आपको बताया था कि जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स का है माने LCM निकालना रहेगा, वह उन संख्याओं से क्या होगा हमेशा बड़ा आएगा। तो इससे भी आप चेक करके देख सकते हैं कि देखिए हमारा 120 इन सभी से बड़ा है। HCF क्या होता है कि इन जो भी संख्याएं हैं उसमें जो LCM आया है उससे हमेशा वो छोटा रहेगा। तो LCM से देखिए 12 जो है वो छोटा है, माने इन्हीं में से कोई एक नंबर भी हो सकता है या उनमें से छोटा नंबर जो होगा वह हो सकता है। तो इससे आप चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये 120 LCM आ गया और 12 जो है HCF आ गया। इसी प्रकार बहुत सारे 3 या 4 अंकों की संख्याओं को आप ले लीजिए नंबर्स को और उसका LCM और HCF बार बार फाइंड करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे ज्यादा आसान और कम समय में बनने वाला मैं सिखाऊंगा मेथड, वो होगा डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम सीखेंगे LCM और HCF कैसे फाइंड करते हैं। थैंक यू।